हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर 10 से लेकर 15 मार्च का एक वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, रोज़ इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं बनती कि रोज़ वीडियो बनाई जाए, क्योंकि उसमें कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ती है। ये सब वो हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुसरी देहरिया का संबंध किस खेल से है? देखिए, सुसरी देहरिया जो हैं एक पर्वतारोही हैं, और हाल ही में इन्होंने सुसरी देहरिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट कोसीयुस्को, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अभी इसको इन्होंने एनेक्स किया है। देखिए, वैसे ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक तो माउंट कोसीयुस्को है। अगर ओशेनिया आता है, ओशेनिया, तो ओशेनिया जो ऑस्ट्रेलिया उसके साथ ही बाकी सब देशों को भी ले लेते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक माउंट विल्हम, क्या होती है, माउंट विल्हम, जो पापुआ न्यू गिनी में पड़ती है। तो पापुआ न्यू गिनी में ओशेनिया की हाईएस्ट पीक माउंट विल्हम, और ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट कोसीयुस्को। इससे पहले ये किलिमंजारो पर्वत पे भी चढ़ चुकी हैं इस साल, और पिछले साल ये माउंट एवरेस्ट पे भी गई थी, तो काफ़ी फेमस हैं। पूरे सातों महाद्वीपों के सबसे हाईएस्ट पीक पर चढ़ने का इन्होंने टारगेट बनाया है। ठीक, इसके साथ ही दो महिलाएं और बहुत फेमस हैं जो हम सुनते हैं, ताशी तथा तुंगशी मलिक। ये ताशी और तुंगशी मलिक का संबंध भी किससे है, पर्वतारोहण से है। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन यहां से हो गया। दूसरा देखिए, एक है वर्ल्ड किडनी डे। देखिए, विश्व किडनी डे जो है ये हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च में मनाते हैं। ये कोई निर्धारित दिन नहीं है कि 12 मार्च को ही मनाएंगे, सेकेंड थर्सडे जो होगा मार्च का उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। इस बार ये कब मनाया गया, 12 मार्च को। अब यहाँ पे कुछ बढ़िया सवाल ये बन सकते हैं कि ये कब से मनाया जाता है। तो वर्ल्ड किडनी डे 2006 से इसको मनाया जाता है। किडनी जो सब जानते हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, और डायलिसिस में इसी किडनी का क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। ठीक, तो बाकी साइंस की वीडियोस में इसके बारे में आपको डिजीज बताएंगे, अभी केवल वर्ल्ड किडनी डे के बारे में इतना। देखिए, सेकंड है जैसे वर्ल्ड स्लीप डे। बहुतों को ये दिन बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि इस दिन खूब सोया जाता है, और ये होता है 13th of March। देखिए, इसके पीछे मनाने का क्या रीज़न है। देखिए, आज के समय जो पूरे विश्व में एक बीमारी है जिसे कहते हैं इंसोमेनिया जो बीमारी है, इसमें नींद ना आने की बीमारी होती है, नींद ना आना। तो होता क्या है कि पूरा विश्व जो है, विश्व में इतनी भागदौड़, सब कुछ, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों की नींद बहुत ही कम हो गई है, और एक प्रॉपर हेल्थ के लिए आपको एक अच्छी नींद चाहिए। इसीलिए हर साल 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं, और ये एक सोसाइटी है, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी, विश्व निद्रा सोसाइटी। ये सन 2016 में बनी थी, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी वो मनाती है हर साल 13 मार्च को। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको ये पता चलेगा, इंसोमेनिया तो आप समझ गए, नींद ना आने की बीमारी। देखिए, अफ्रीका में एक ऐसी मक्खी होती है जिसे हम कहते हैं सी मक्खी। ये जो सी मक्खी होती है, इसके काटने से निद्रा रोग हो जाता है। निद्रा रोग का मतलब खूब नींद आती है, और उसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये अफ्रीका में आपको मिलती है, लीसमेनिया प्रोटोजोवा होता है ये एक प्रोटोजोवा से
प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में से एक है। जैसे हम जानते हैं प्रोटो मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। पाइरिया, पाइरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कालाजार, कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ, सैंड फ्लाई से। सब जानते हैं सैंड फ्लाई से कालाजार। तो इस तरह प्रोटोजोआ से, पेचिस भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और एक हो गया ये निद्रा रोग। तो निद्रा रोग, मलेरिया, पाइरिया, कालाजार, पेचिस, ये सारे के सारे एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसको भी याद रखिए। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, जैसे कोई आपसे पूछेगा पाई का मान क्या है, तो पाई का मान हम 3.14 ऐसे आगे चलते रहते हैं, ठीक। तो इसका आप मतलब समझिए, 3.14 का मतलब है तीसरा महीना और 14वीं तारीख को। तो हर साल मार्च तीसरा महीना है और 14 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पाई, पाई दिवस मनाते हैं, और इसी को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14 मार्च, वर्ल्ड स्लीप डे आएगा 13 मार्च, वर्ल्ड किडनी आएगा तो 12 मार्च याद नहीं करना, सेकेंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च, और फिर लास्ट में हमें आता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। देखिए, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हैं, ये हर साल 15 मार्च को मनाए जाते हैं। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, एक अगर आता है भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 1986 में भारत में उपभोक्ता अधिकार फोरम बनाया गया था, ठीक। तो इसलिए 1986 से हर साल उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आया तो 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय आया तो 15 मार्च, ठीक। तो ये सब हैं दिवस जो मनाए गए। फिर उसके बाद देखिए, 6 इंटरनेशनल योग दिवस। देखिए, इस साल जो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर साल जो 21 मई को मनाया जाता है, इस साल ये लेह में मनाने का, जो लेह लद्दाख है, इस साल लेह में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर साल 21 मई को ये मनाते हैं। देखिए, एक आता है होला मोहल्ला उत्सव। देखिए, होला मोहल्ला उत्सव जो है, ये होली के अगले दिन, होली के अगले दिन ये त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। एक वीर रस का, वीर रस का, ये जैसे हम गतका डांस देखते हैं, गतका नृत्य, जो गतका नृत्य है, ये वीर रस का नृत्य है, कहाँ? पंजाब का। ये गतका नृत्य की शुरुआत भी और होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत भी सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने ये गतका नृत्य और होला मोहल्ला उत्सव, जो वीर रस से संबंधित है, पंजाब में उससे किया था, ठीक। तो ये नृत्य याद रखिए, ये आईएएस के एग्जाम में भी पहले पूछा गया है। देखिए, एक है सफेद जिराफ। देखिए, विश्व में सफेद जिराफ के केवल 2 या 3 जिंदा बच गए थे, और केनिया में इनको अभी शिकारियों के द्वारा मार दिया गया है। तो अब सफेद जिराफ के, अब धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक मेल चाइल्ड बचा है, और अकेला मेल चाइल्ड जो है वो जिराफों की संख्या को नहीं बढ़ा सकता। इसलिए सफेद जिराफ जो केनिया में थे, ये अब समाप्त हो गए हैं। देखिए, केनिया में जो सब बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, पर जो तसावो नेशनल पार्क है,
ये कई बार एग्जाम में आता है कि तसावो नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये केनिया में है। फिर अगला देखिए पोषण पखवाड़ा। देखिए भारत में हम सब जानते हैं कि भारत में सन 2022 तक बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे भारत में पोषण को पूरी तरीके से 2022 तक भारत में फैलाना है, और जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य है, कब? 2022 तक। तो पूरे नीति आयोग के द्वारा पूरे इंडिया में पोषण के ऊपर जगह जगह पर काम चल रहा है। तो अभी किस राज्य ने पोषण पखवाड़ा मनाया है? तो ये है नागालैंड के द्वारा, ठीक। और एक है पोषण अभियान में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पोषण अभियान में इस समय प्रथम स्थान पर है। और एक अंतिम देखिए झंडा मेला। देखिए झंडा मेला कल हुआ था देहरादून में, यह हर साल देहरादून में मनाया जाता है, और लगभग 107 मीटर ऊंचा झंडा था जो किसी कारणवश टूट गया और इससे कई लोग घायल हो गए। तो ये थोड़ा न्यूज़ में आया, तो याद रखिए झंडा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में, और कहाँ? देहरादून में, ठीक। आगे देखिए फगली महोत्सव। ये फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में फगली महोत्सव मनाते हैं, और ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में फगली महोत्सव को यहाँ की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक। फिर अगला देखिए कोविड-19। आजकल ये सब जानते हैं कोरोना बीमारी, तो कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड पेंडेमिक, देखिए पेंडेमिक का मतलब वो बीमारी जो एक देश से कई देशों में फैल जाती है, तो ये चाइना के वुहान शहर से पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो ये पेंडेमिक है, ग्लोबल पेंडेमिक डिजीज, दैट इज ए ग्लोबल पेंडेमिक डिजीज। और भारत ने भी इसको, देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सवाल बनेगा, एपिडेमिक एक्ट जो है इंडिया में, जो एपिडेमिक एक्ट है वो 1897 में आया था। एपिडेमिक का तो महामारी अधिनियम, और महामारी अधिनियम के द्वारा अब भारत ने भी इसको महामारी के रूप में घोषित कर रहे हैं, ठीक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे सिपरी। सिपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए एक स्टॉकहोम जो स्वीडन में है, स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पीस का मतलब शांति, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसने जो 2015 से 2019 तक का अपनी रिपोर्ट पेश करी है, उसमें हथियारों का सबसे बड़ा आयातक जो है वो पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा हथियार क्रय करता है, और भारत का नाम इसमें सेकंड नंबर पर है। और विश्व में तो अगर आएगा हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, आपको कौन मिलेगा? सऊदी अरेबिया, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट। ये 2015 से लेके 2019 तक की रिपोर्ट है। अगला है जैक मा। देखिए अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हो गए हैं वो अलीबाबा ग्रुप के हेड हैं जैक मा। ये अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक। अगला है सह्याद्री मेघा। देखिए ऐसा आएगा सह्याद्री मेघा क्या है, तो ये चावल की एक नई वैरायटी बनाई है। चावल की नई वैरायटी, ये लाल वैरायटी है चावल की, जो कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकती है, ठीक, फंगस इन्फेक्शन इन सब से। तो ये एक बढ़िया उन्नत
चावल की वैरायटी है जिसका नाम रखा है सह्याद्री मेघा। और हम जानते हैं चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर है? इंडिया में चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मनीला, मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस। और अगर चावल संग्रहालय आएगा, चावल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपको मुन्नार में मिलेगा, मुन्नार केरल में। तो चावल संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय चावल का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस, और चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? कटक में। उसके बाद अगला देखिए, मिशन शक्ति क्या है? देखिए मिशन शक्ति उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनके लिए एक विभाग बना दिया गया है उड़ीसा के द्वारा। तो मिशन शक्ति कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला है जैसे उत्तरायण योजना। देखिए उत्तरायण योजना का संबंध असम से है। असम में खेलों को बढ़ावा देने के लिए असम में एक स्कीम है उत्तरायण योजना, जिसमें 300 करोड़ रुपए से 33 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, स्टेडियम, ताकि राज्य में खेलों का विकास हो। अगला सोलर रूफ टॉप में भारत का प्रथम राज्य, तो सौर पावर में इस समय गुजरात सोलर रूफ टॉप में, रूफ टॉप का मतलब है जो आपके घरों की छत रहेंगी उन छतों में सौर ऊर्जा से बिजली, मतलब सौर ऊर्जा बनाई जाएगी। तो गुजरात इस तकनीक में भारत का प्रथम राज्य है। और लास्ट सवाल है IDFC फर्स्ट के ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो अमिताभ बच्चन जो हैं वो IDFC फर्स्ट के ब्रांड अम्बेसडर बनाए गए हैं। देखिए अगर आपके ये वीडियो बढ़िया लगे तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिए। और बहुत जल्दी हम UPSI के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, UPSI, तो वो बहुत जल्दी आपको, जितने भी लोग इसको कोर्स को करना चाहें हमारे साथ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।